डोनाल्ड ट्रंप के अहमदाबाद में पहुंचने में अब करीब 3 घंटे का वक्त रह गया है, लेकिन इससे पहले अहमदाबाद में ट्रंप के पहुंचने को लेकर एक्साइटमेंट चरम पर है। 22 किलोमीटर लंबे रोड शो के लिए कलाकारों ने जमकर तैयारियां की हैं। रोड शो के रास्ते में 28 जगहों पर 28 राज्यों की झांकी पेश की जा रही है। गुजरात का गरबा हो या फिर हरियाणा के लोकगीत, हर राज्य को झांकी यहां पेश करने की मौका दिया गया है। लेकिन जिस इवेंट की सबकी नजर है और जिसकी चर्चा हो रही है, वो है मोटेरा स्टेडियम में होने वाला नमस्ते ट्रंप इवेंट, जिसका गवाह अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम बनने वाला है। करीब 1.25 लाख दर्शकों से ये भरा रहेगा। उसके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी होंगे और एक ऐतिहासिक ग्रैंड वेलकम के गवाह बनेंगे। अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम आज कुछ ही घंटों बाद गवाह बनेगा उस ऐतिहासिक पल का, जिस पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। तैयारी ग्रैंड है, करीब 1.25 लाख लोग जब एक साथ खड़े होकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का वेलकम करेंगे, उन्हें नमस्ते करेंगे, तो नजारा देखने लायक होगा। कभी न भूलने वाला क्षण होगा, अद्भुत, अविस्मरणीय। रोड शो के रूट पे आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे गुजरात के गरबा रास की झांकी उनके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। ये तपोवन संस्कार स्पीड के बच्चे हैं जो यहाँ पे गरबा के साथ साथ जो पौराणिक भारतीय संस्कृति है योग की, उसको भी यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं मलकंब का ये एक फॉर्मेशन, आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं और योग का फॉर्मेशन यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। मोटेरा स्टेडियम के बीचों बीच बने ग्रैंड स्टेज पर जब मोदी ट्रंप को लेकर पहुंचेंगे, तो वहां मौजूद करीब 1.25 लाख लोगों की तालियों की आवाज से पूरा स्टेडियम गूंज उठेगा। अहमदाबाद दुल्हन की तरह सज चुका है, लोगों की खुशी सातवें आसमान पर है। देश के सभी राज्यों की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले डांस रोड शो के रूट पर पेश किए जाएंगे, जो अहमदाबाद और खासकर मोटेरा स्टेडियम की छटा में 4 चांद लगा देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक कार में सवार होकर गुजरात में अहमदाबाद की सड़कों पर गुजर रहे होंगे, तो भारत की सॉफ्ट कल्चर या कहे कि कल्चरल पावर कुछ इस तरह से दिखाई देगी। 28 राज्यों की कल्चरल झलक यहां दिखाई देगी। इस वक्त आप गुजरात के स्टॉल पर हैं, यहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है और यहां डांस करते हुए बच्चे भी हैं। ड्रम के इंडिया शो के दौरान एक और रंग दिखाई देगा, वो रंग है आंध्र प्रदेश का, और यहाँ ये बच्चियां डांस कर रही हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस हैं जो इस नृत्य शैली की सबसे बड़ी विशेषता है और ये बच्चे लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। हम इनसे अगर बात करने की कोशिश करें तो फिलहाल इनके नृत्य साधना में वो विघ्न होगा, लेकिन आपको बता दें कि मोदी और ट्रंप के इस रोड शो में परफॉर्म करना इन बच्चों के लिए एक बड़ा अवसर है और वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। तैयारियां हो चुकी हैं, अब सबको बस ट्रंप का बेसब्री से इंतजार है। तो अब ये भी जान लीजिए कि स्टेडियम के अंदर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं और ट्रंप का क्या क्या प्रोग्राम है। मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप इवेंट होगा, ये ह्यूस्टन में हुए हाउडी मोदी से भी ग्रैंड शो होगा। ट्रंप यहाँ मोदी के साथ लोगों को संबोधित करेंगे। स्टेडियम में 1600 स्क्वायर फीट का स्टेज बनाया गया है। स्टेडियम में आने वाले लोगों को वेरीफाइड आईडी कार्ड दिया गया है। स्टेडियम तक पहुंचाने के लिए 2200 फेरी बसें लगाई गई हैं। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद का सरदार पटेल स्टेडियम तैयार है राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये भव्य स्टैंड्स जो इस स्टेडियम की विशालता, इसकी भव्यता का एक तरह से आपको निदर्शन करवाते हैं। जब 1,10,000 की भीड़ इन स्टैंड्स में मौजूद होगी, जो सामने पेविलियन दिख रहा है यहाँ पे मेरे, उस पेविलियन के पीछे से दोनों एक साथ एंटर करेंगे और सबसे पहले ऊपर जाएंगे जो प्रेसिडेंशियल सुइट बना हुआ है, प्रेसिडेंशियल गैलरी है। ऊपर करीब 75 VVIP बॉक्सेस हैं और उन्हीं के बीच में जहाँ GCA लिखा हुआ है उसके ऊपर एक प्रेसिडेंट गैलरी है। उसे एक प्रेसिडेंट शूट के तौर पे कन्वर्ट किया हुआ है इस वक्त, और वहाँ दोनों महानुभाव बैठेंगे जहाँ उनके जलपान की भी व्यवस्था की गई है। आप वो जलपान लेते हैं या नहीं ये उन पर निर्भर करता है। उसके बाद करीब 10-15 मिनट के विश्राम के बाद ये दोनों महानुभाव नीचे आएंगे और सामने अगर आप देखें, मैं आपको थोड़ा क्लोज ले जाके दिखाना चाहता हूँ, सामने ये स्टेज बना हुआ है
करीब 40 फीट का। इस स्टेज पे दोनों एक राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से दोनों महानुभाव जो हैं वो एंट्री करेंगे और पूरा स्टेडियम आप देख सकते हैं 360 डिग्री चारों तरफ से उन्हें देख सकता। नमस्ते ट्रंप इवेंट पिछले साल ह्यूस्टन में हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम के बाद किया जा रहा है। मोदी ने हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान ट्रंप की धरती पर अपना डंका बजाया था। ट्रंप के हाथों में हाथ डालकर जब स्टेडियम के चक्कर लगाए तो ट्रंप भी भौचक्के रह गए। मोदी जैसा दोस्त पाकर ट्रंप भी फूले नहीं समा रहे थे, तो इस बार पीएम मोदी के पास दूसरा बड़ा मौका है जब वो खुद अपनी धरती पर अपने ही होम स्टेट में ट्रंप को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे और हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के मुखिया से अपनी दोस्ती पक्की कर लेंगे। पवन नारा और मनीष प्रसाद के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। तो आप देख रहे हैं किस तरह से तैयारियां चल रही है। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो इसमें शामिल होने जा रहे हैं वो साबरमती आश्रम के बाहर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर में ही डोनाल्ड ट्रंप पहुंचने वाले हैं। और आपको बता दें उनका पहला जो स्टॉप ओवर होगा मोटेरा स्टेडियम से पहले वो होगा साबरमती आश्रम, जिसके बाहर ये बच्चे इसी तरह से गरबा करके प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करेंगे। और एक तस्वीर आप देख रहे हैं आगरा की, क्योंकि जब वो मोटेरा स्टेडियम में अपना नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम को पूरा कर लेंगे उसके बाद रवाना होंगे परिवार के साथ आगरा में, और आगरा में जाकर वो ताज का दीदार करेंगे। और हम बात करते हैं अपने संवाददाता पवन नारा से जो इस वक्त अहमदाबाद एयरपोर्ट के बाहर ही मौजूद है। पवन, जरा बताइए कि फिलहाल वहां पर किस तरह की तैयारियां, खासतौर पर सुरक्षा के जो इंतजाम है वो अभूतपूर्व है, उसके बारे में भी जरा बताइए, आपके पीछे भी जरा दिखाइएगा। जी बिल्कुल, आपको सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं सुरक्षा की, जो आप बात कर रहे हैं यहाँ गुजरात पुलिस के जवान तैनात हैं, इसके अलावा एसपीजी है और स्पेशल फोर्सेस के जवान सिविल ड्रेस में तैनात हैं। यहाँ अगर आप सामने देखेंगे तो ये सीधे सड़क एयरपोर्ट से निकलती है और इसी सड़क पर सबसे पहले अगर काफिला नजर आएगा तो इसी सड़क पर नजर आएगा और यहाँ कल्चर अभी से दिखाई देना शुरू हो गया है, यानी कलाकार पहुंच चुके हैं, आर्म फोर्सेस के जवान पहुंच चुके हैं, गुजरात पुलिस के जवान पहुंच गए हैं। पवन, और सुरक्षा का जो आपने सवाल, यहां पर आएंगे तब जो आम पब्लिक है या फिर जो आम ट्रैफिक है उसके लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है? बिल्कुल, जो 22 किलोमीटर का रूट है उसे नो गो जोन बनाया गया है। फिलहाल ये रूट खुला है, 10:30 के बाद इस रूट पर जाना संभव नहीं होगा। अगर मैं आपको पॉइंट्स बता पाऊं और जो लोग अहमदाबाद वासी हमारा शो देख रहे हैं, एयरपोर्ट से ये एयरपोर्ट सर्कल होते हुए उम्मेद होटल के पास से बाएं लेंगे, फिर आगे सुभाष ब्रिज से होते हुए साबरमती नदी को पार करेंगे, लेफ्ट लेंगे, साबरमती आश्रम जाएंगे, फिर वापस वहां से इसी रास्ते से एयरपोर्ट तक आएंगे और इस एयरपोर्ट के चौराहे से फिर आगे बढ़ते हुए मोटेरा स्टेडियम तक डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे। इस रूट को 22 किलोमीटर की इस लेंथ को नो गो जोन होगा वो हमें बताया गया है। सुबह 10:30 बजे से 3:30 बजे तक ये नो गो जोन होगा। यहाँ के स्थानीय अखबारों में अल्टरनेट रूट्स की जानकारी दी गई है। जी, तो पवन ने जिस तरह से बताया कि पूरा रूट किस तरह से होगा और जो अहमदाबाद के लोग हैं उन्हें भी ये पहले बता दिया गया है कि जिस दौरान ये रोड शो चलेगा उस दौरान उनको उस रोड पर आने की इजाजत नहीं होगी, उसके लिए अल्टरनेट रूट्स दिए गए हैं। एयरपोर्ट सर्कल पर आपने पवन नारा की ये रिपोर्ट देखी, अब आपको दिखाते हैं कि साबरमती आश्रम में क्या चल रहा है। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने रिपोर्ट भेजी है। ये कश्मीर का युवा है जो इस समय डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए डांस करता हुआ इस अहमदाबाद में पूरी तैयारी के साथ है, पारंपरिक वेशभूषा के साथ अब ये कदम ताल करते हुए थिरकते हुए इस गाने पर। कितनी खुशी का दिन है और किस तरीके से डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके कि सब, ये जो हमारा गाना है मोस्ट वेलकम के लिए किया जाता है गाना, इसमें जो वर्ड कश्मीरी में जब कोई आता है, कोई मेहमान आता है तो उसी त्यौहार पे डांस किया जाता है और ये गाना गाया जाता है। कितनी खुशी है इस बात की कि अब डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए आप कश्मीर से आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, मेलानी ट्रंप यहाँ पर होंगी। बहुत अच्छा फीलिंग हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, सब बच्चे बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है
कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और इतना बड़ा मंच है और ऐसे लोगों को देखने के लिए मतलब सब इंतजार कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है कि तभी हम उसके लिए वेलकम सॉन्ग गा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे और ये बहुत बड़ा मौका है आप लोगों के लिए। हाँ, बहुत बड़ा मौका है, हमें उनको देखने का बहुत शौक था तो आज हमारा ये शौक पूरा हो रहा है वो भी हमारी गुलजार सर की वजह से। और ये पारंपरिक वेशभूषा में सभी जश्न मनाते हुए नाचते गाते हुए खुशी का दिन है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का इंतजार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी साथ होंगे। हाँ जी, बहुत खुशी मिल रही है, बहुत एक्साइटमेंट है। ये किस वेशभूषा में है और क्या डांस करते हुए आप इस समय वेलकम करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? एक्साइटेड भी है प्रधानमंत्री मोदी को देखने का मौका। एक्साइटेड है, हम कब अपने ट्रिप को देखना चाहते हैं, बहुत एक्साइटेड है। और ये कश्मीर की वो आवाज है जो कि इस समय अहमदाबाद में मौजूद है और इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूएस के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी मेलानी ट्रंप का। कैमरा पर्सन बाबर मसूद के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। अब आपको दिखाते हैं बिहार की छात्राओं से किस तरह से यहां पर तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए कुछ खास अपनी तैयारियां की हैं। बिहार की संस्कृति तैयार है, डोनाल्ड ट्रंप का इंतजार है, यहाँ आने वाली जनता नहीं पहुंची है लेकिन कलाकार तैयार होकर पहुंच गए हैं। ये बिहार की संस्कृति आपको दिखाई दे रही है। पीछे पोस्टर में आपको नालंदा विश्वविद्यालय दिखाई देगा और हिंदुस्तान का हर रंग दिखाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ ये बिहार की टीम बिहार की संस्कृति को दिखाते हुए, मैम अगर आपसे हम बात कर पाए, कहाँ से आप आए हैं, कितने दिन की आपकी तैयारी है? हम पटना से आए हैं, हमारे बहुत दिन से ये तैयारी चल रही है क्योंकि यहाँ पे अमेरिका के प्रेसिडेंट और पीएम मोदी जी आ रहे हैं। ऑफकोर्स हमने बहुत मेहनत की है। सोचा था कि पटना से कोई बुलावा आएगा कि यहाँ छात्र आएंगे, कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं वहाँ पे? नहीं, हम लोगों ने सोचा नहीं था, हम लोग पटना से आए और हम लोग डांस टीम से, बहुत अच्छा लग रहा है बिहार को रिप्रेजेंट करना, इतने बड़े ओकेजन में शामिल होना, वो भी प्रेसिडेंट, यूएसए के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, हम लोग को मतलब बहुत एक्साइटेड है उनको देखने के। बहुत एक्साइटेड है मैम, लगभग यहाँ से 2 फीट दूर से प्रेसिडेंट का काफिला गुजरेगा, क्या क्या वो एक्साइटमेंट है? इसी चीज के लिए वो बहुत एक्साइटेड है कि हम लोग के सामने डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे जो कि राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति है, सचमुच खास मायना है या एक और परफॉर्मेंस है? नहीं नहीं, हम लोग के लिए, हम लोग जितने एक्साइटेड है, हम लोग जब पटना में थे तभी से वहीं से एक्साइटेड है कि हम लोग देखेंगे सामने से डोनाल्ड ट्रंप को, मोदी जी को, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो ये सब एक्साइटेड इस बात को लेकर भी है कि वो बेहद गरीब होंगे। आपको लग रहा है आपकी परफॉर्मेंस में इतना दम है कि उनकी गाड़ी रुकेगी आपके लिए? एकदम जरूर सर, जरूर सर। लोक संस्कृति ऐसी संस्कृति है कि वो ऑटोमेटिक लोगों को अपने ओर आकर्षित करती है। मैम गाना कौन सा है ये? झिझिया। झिझिया, हाँ। एक लाइन गुनगुना देंगे? हाँ। सातो के वरिया हो बरम बाबा, सातो हो के वार, सातो के वरिया हो बरम बाबा, सातो हो के वार, खोला न के वरिया हो बरम बाबा, खोला ने के वार, खोला न के वरिया। इन्हें भी पता है डोनाल्ड ट्रंप की गाड़ी का दरवाजा नहीं खुलेगा लेकिन परफॉर्मेंस तैयार है। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। कैमरामैन रोहित नरवाल के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।